भाई आप मन सीएम हाउस घेराव पर निकले हो, का कहूँ भूपेश का काले मीडिया के माध्यम? हमारी मांग ये है कि भूपेश सरकार ने पहले 10 दिनों में हमारी मांगे पूरी करने का जो वादा किया था वो वायदा पूरा करें, बहुत कम बचा है। इसलिए हमारी मांगों की सुनवाई के लिए हम लोग सीएम हाउस जाना चाह रहे हैं ताकि उन तक हमारी बात रखी जा सके, और हम प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि हमको वहाँ तक जाने की इजाज़त दें ताकि हम सीएम साहब को हमारी मांगों के विषय में अवगत करा के तत्काल निराकरण पा सकें। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा हूँ बिलासपुर जिला से। विश्वास के साथ हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, काफी हमने निवेदन किया है, फिर भी हमारी मांग को अभी तक पूरी नहीं की गई है, तब हम लोगों ने ये अनिश्चितकालीन का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि भूपेश सरकार जी जो घोषणा पत्र में उल्लेखित किए हमारी 11वें बिंदु में हमारे नियमितीकरण के, तो वो कृपा करके अब विधानसभा उसमें बजट में हमारा जो नियमितीकरण है उसको जरूर शामिल करें और हमको ये सौगात दें। भगवती शर्मा, जिला पंचायत रायपुर। सर कुछ दिन पहले तक हमें भी विश्वास था कि भूपेश से तो भरोसा है, लेकिन अब ये सरकार धोखेबाज हो गई है, अपने ही बातों से मुकर रही है। 4 साल से हम इनसे निवेदन आवेदन कर रहे हैं लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। आज हम मजबूर हो गए हैं रोड पे आने के लिए, और देखिए इस सरकार की करतूत, इसने हमें आगे जाने से बैरियर लगाया, और आज हम ये बैरियर तोड़ेंगे और मंत्रालय तक और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा के रहेंगे कि हमको नियमित करे और करे और करे। मैं मिली रानी कर, जिला पंचायत सूरजपुर। मैं काका से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो हमर राज्य के प्रतिनिधि जो हमर प्रांताध्यक्ष है ओकरो भी वही बात है भाई, और हमर जितका संगी यहाँ पर आए हैं लगभग 20,000 के संख्या में है, सबकी तरफ से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि काका जे ते हाँ जे हमन ला संकल्प दे रहे हस, जे घोषणा में करे हस, ते हमन के जो वादा करे रहे ओला ते हाँ 4.5 साल से ज़्यादा हो गए ओला पूरा नहीं करे हस, ते ओला कब करबे, ते ओला कब करबे, ते हाँ हमन ला वोट मांग के ते हाँ सत्ता में आए हस, और ई बात में हमन वोट देहन कि ते हाँ सत्ता में आवे। हमन चाहते हैं तो जो 15 साल के सरकार रही से ओला हमन एक बार और सरकार बना देते हैं, हमन एक बार और इंतजार कर लेते हैं, हमन वो सरकार से फिर मांग कर देते हैं कि आखिरी बार मौका देते हैं, मगर हम ओला मौका नहीं देहन और तुम्हन ला गद्दी देहन, तुम्हन ला सत्ता देहन, तो ते हमन के ते सत्ता में पा के ते मुकर गए, हमन के अपन वादा कर के ते मुकर गए हस, ते यह सही बात नहीं है काका। और ते मैं ओहू ला कहना चाहता कि जो तोर हमर जो स्वास्थ्य मंत्री है TS बाबा, मैं ओहू ला कहना चाहता कि बाबा जी ते हाँ गंगा जल ला हाथ में धर के ते हमन ला कसम दे रहे कि 10 दिन के अंदर ते हमर अनियमित कर्मचारी मन लते नियमित करबे, और आज 5 साल पूरा होने वाला है तोर ये पहला सत्ता के, मगर ते पूरा नहीं करे हस, तो यह गद्दारी है, यह नाकामी है, और अगर कका सरकार ते हाँ अगर हमन के बात ला नहीं मानबे पूरा नहीं करबे तो तोला ये बार सत्ता से जाना पड़ी। ये हमर 45,000 कर्मचारी मन के सबके मन के बात और परिवार के बात ला मैं कहा था, तोर सत्ता है तोला वापस नहीं आही, हमन नहीं आंदन तोर सत्ता में नहीं आंदन, ते 15 साल के लिए 15 साल बते पछतावे, ते 15 साल बते फिर से पछतावे, 15 साल बतोला फिलहाल तोला 15 साल बन नहीं आवन देवन। हमन 45,000 के एक एक परिवार में 5-5 सदस्य हैं, अगर 5-5 सदस्य भी तोला हमर 45,000 कर्मचारी तोर पीछे अगेंस्ट में आ जाबो तो तेह सत्ता में नहीं आ सकस, हमन के ते हैं तो कहे वादा ला पूरा कर दे, अभी भी हम तोर आदर करत हन, तोर सम्मान करत हन, छत्तीसगढ़ शासन के सम्मान करत हन, ते हाँ कथस कि भूपेश है तो भरोसा है, मगर यह गलत साबित होगी, भूपेश है तो धोखा है, भूपेश है तो धोखा है, ते हाँ अगर चाहत हस तोर सरकार अगर चाहत है कि भूपेश है और तब भरोसा है तो ते वो भरोसा ला तो वो संकल्प ला कायम कर दे, अपन ये 70 से जाने से पहले ये जो आने वाला चुनाव है वो कराने से पहले हम अल्लाह खुशी के सौगात दे दे, मध्य प्रदेश हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तरह ते हमू मल्ला नियमित कर दे, सारी सुविधाएं नियमित कर्मचारी की तरह सारी सुविधाएं हम अल्लाह उसने पूरा सुविधा नियमित कर दे, हमन तोला फिर से गद्दी में बैठाबो, भूसा सरकार हमन वादा करत हन कि तोला फिर से ए साल फिर से तोला 5 साल के लिए गद्दी में बैठाबो, ये हमन के संकल्प है, हमारे 45,000 सभी समस्त कर्मचारी मन के संकल्प है। परिचय बता, मैं स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग से जगदलपुर जिला से प्रतिनिधित्व करत कर दे, हमारे साथ कुछ और भी महिला कर्मचारी मन ओकर संग हमन सीधा गोट बात करता हूँ। मैडम पहले परिचय बताओ का नाम? मैं संगीता बनोटिया दंतेवाड़ा से हूँ।
सर हमारा मांग है, एक ही सूत्री मांग है, नियमितीकरण, जो कि भूपेश सरकार के द्वारा ही यह अपने जनघोषणा पत्र के वादों में बिंदु क्रमांक 11 में किया गया था घोषणा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 4.5 साल व्यतीत होने के बावजूद भी आज तक सरकार के सामने है, हमने आवेदन निवेदन सभी प्रकार से हमने उनको अपने तरफ से जो भी करना था वो किया है, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रहेगा है, इसलिए हम लोगों को ये उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा और जो भी अव्यवस्था हो रही है उसका सरकार स्वयं जिम्मेदार है। जरूरत पड़ेगी, हम इतना जब पढ़ लिख के जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब की हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हर कोई अपना भविष्य का सिक्योरिटी चाहता है, क्या ये गलत है? सरकार भी अपना 5 साल सुनिश्चित करती है ना, तो हमारा भी हक है कि हम अपना 62 ईयर्स जो है वो सुनिश्चित करें, हम भी चाहते हैं कि हम नियमित हो जाए। तो सरकार जैसे बाकी योजनाओं में जितना ध्यान दे रही है, मुझे लगता है कि उनको नियमितीकरण के विषय में भी ध्यान देना चाहिए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सारी योजनाएं। हम युवाओं से ही सरकार है और सरकार अब देखेगी, मैं सीधे उनको कहना चाहूंगी, इस बार युवा आपको नहीं छोड़ेगी, अगर आपने नियमितीकरण नहीं किया तो इस बार तो सीधे आर्या पारे, हम आपका वोट छीनेंगे और आपको सत्ता से हटाएंगे। परिचय बता देते, कौन से विभाग? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, मेरा नाम श्वेता सोनी है।